यस सर। राफेल को उठाना है, 45 डिग्री एंगल पर रखना है। सबसे पहले इसका मैगजीन को उतारना है, मैगजीन का चलाते हुए मैंने हाथ की मदद से मैगजीन को उतारे और सुरक्षित जगह पर रखें। सेफ चेंज लीवर को आर्बर करें, राफेल को कॉक करें, राफेल कॉक की राफेल को ऊपर उठाएं, बॉडी कवर कैच दबाते हुए रिक्वायर स्प्रिंग को आगे दबाते हुए बॉडी कवर को खोलें, रिक्वायर स्प्रिंग को निकालें, रबर से लग करें और सुरक्षित जगह पे रखें। कॉकिंग हैंडल की मदद से पिस्टन को पीछे करें, पिस्टन असेंबली को बाहर निकालें और रोटेटिंग बोल्ट को पिस्टन असेंबली से लग करें और रखें। कंप्लीट साइड को ऊपर उठाएं और गैस ट्यूब कैच को ऊपर उठाते हुए गैस ट्यूब को बाहर निकालें, जहां तक राफेल का खोलना जब भी सिखाऊंगा मैं आपको, यहीं से राफेल का जोड़ना। कैडेट ध्यान रहे, जब आप राफेल को जोड़ते हैं, जो राफेल का सबसे लास्ट में पार्ट खुलता है, सबसे पहले वो पार्ट को जोड़ा जाता है। yes, क्या खुला भी सबसे लास्ट में? गैस स्टोव। राफेल को उठाएं, गैस स्टोव को लें, गैस स्टोव कच में बिठाएं, और कच को नीचे दबाएं, हंड्रेड साइड को नीचे दबाएं, ठीक है। बॉडी कवर को खोलें, रोटेटिंग बोल्ट को पिस्टन असेंबली में फिट करें, ऐसे इसको फिट करते हैं और जहां पर अंगूठे को लगाएं, अंगूठा लगा दिया जैसे रहेगा, और इसके अंदर राफेल के अंदर दाखिल करें, दाखिल कर दिए एक ही झटके में आगे करें। रिक्वायर स्प्रिंग, इसका नाम रिक्वायर स्प्रिंग है, ठीक है। रिक्वायर स्प्रिंग को उठाएं और पिस्टन सेक्शन में दाखिल करें और फिट करें, बॉडी कवर को लगाएं, बॉडी कवर कैच को दबाएं और राफेल को कॉक करें, ट्रैगर को प्रेस करें, मैगजीन को लास्ट में सबसे सबसे पहले खुला था लास्ट में लगाएं। ये था राफेल का खोलना और जोड़ना।